छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह से हो रहा मतदान। 223 प्रत्याशियों की किस्मत होगी ईवीएम में बंद, चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षा। मिजोरम में भी 40 विधानसभा सीटों पर जारी चुनाव, हंगामे वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज फिर आएंगे छत्तीसगढ़, 10 साल बाद सूरजपुर में करेंगे जनसभा। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए झोंकेंगे ताकत। तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, चंद्रनायक गुट्टा से उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। स्वास्थ्य समस्याओं पर दिया हवाला, टेंशन में बीजेपी। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भाई। राज्य में 17 नवंबर को होने हैं चुनाव। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुसीबतें, सख्त एक्शन लेने की फिराक में एथिक्स कमेटी। संसद सहयोगी घोषित करने की भी की जा रही तैयारी। बिहार में जाति आधारित गणना की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आज पेश करेगी सरकार, विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार। एक बार फिर हिली धरती, बंगाल की खाड़ी में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता, आने वाले समय में खतरे के संकेत। इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 10,000 के पार, इनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। इजरायल की तरफ से लगातार हो रही बमबारी। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत पर जताया भरोसा, कहा गाजा पर जारी हमलों को रोकने में मदद करेंगे पीएम मोदी। विजय थलपति ने शेयर की लियो की सक्सेस मीट से अनदेखी तस्वीर, एक्टर से मिलने पहुंचे थे 7,000 फैंस। बांग्लादेशी एक्ट्रेस हुमेरा हिमू का निधन, 37 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इंडस्ट्री में पसरा मातम। सानिया मिर्जा के बाद इरफान पठान ने गाजा पीड़ितों के लिए उठाई आवाज, कहा रोजाना वहाँ बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश। दिल्ली NCR में आज भी लोगों को नहीं मिलेगी राहत, प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में, चारों तरफ छाई धूल ही धूल। आज कन्या तुला धनु राशि वालों को हो सकती है मानसिक परेशानियां, साथ ही कई अड़चनों का भी करना पड़ सकता है सामना।